आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक और हिडन टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ, Mi UI 12 की हिडन टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पर Mi UI 12 वाली म्यूजिक प्लेयर को अपने होम स्क्रीन से डायरेक्ट एक फ्लोटिंग विंडो की तरह यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं किसी भी वीडियो को प्ले करता हूँ, वो भी दोस्तों किसी भी म्यूजिक या फिर किसी भी यूट्यूब की वीडियो को मैं यहाँ से प्ले कर सकता हूँ। म्यूजिक हमारे यहाँ प्ले हो रही है, मैं आपको यहाँ पर सुना देता हूँ। और जब गाइज मैं इस पर टैप करूंगा तो हमारी यहाँ यूट्यूब की वीडियो देखने को मिल जाती है। तो आप लोग इस मेथड को फॉलो करने के बाद, आप लोग इस ट्रिक को फॉलो करने के बाद अपने फिर यूट्यूब की किसी भी वीडियो को भी बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं मैं यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ और मैं यहाँ वीडियो को अपने फोन को लॉक भी कर देता हूँ, तो आप लोगों के यहाँ पर यूट्यूब की म्यूजिक प्ले होती रहेगी। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसे हम लोग अपने डिवाइस में कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों मैं यहाँ पर Redmi Y2 की डिवाइस यूज कर रहा हूँ। और अगर मैं आप लोगों को सेटिंग्स में ले जाकर दिखा देता हूँ Mi UI वर्सन, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर ग्लोबल रोम यूज कर रहा हूँ 11.0.5 और Redmi Y2 देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो मैं Redmi Y2 में भी इसे यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसे अपने शो में किसी भी डिवाइस में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो होने वाली काफी इंटरेस्टिंग, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिएगा। अब दोस्तों इस ट्रिक को मैं आप लोगों को अपने पोको X2 में दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं मैं पोको X2 यूज कर रहा हूँ और मैं ये मेथड आप लोगों को पोको X2 में दिखाऊंगा। आपके पास Xiaomi की कोई सी भी डिवाइस है दोस्तों, आप लोग उसमें इस ट्रिक को फॉलो करके इसे अपने फोन में इनेबल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर सेटिंग में भी लेकर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ अबाउट फोन में, तो देख सकते हैं आप लोग अबाउट फोन में पोको X2 देखने को मिल जाता है। और Mi UI की वर्सन बात कर लेते हैं तो आप लोगों को 11.0.6 ग्लोबल वर्सन देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग इसे अपने फोन में कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों सिंपली आप लोग छोटी सी ट्रिक करनी है, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने में दोस्तों आप लोगों को जाना है एडिशनल सेटिंग्स में, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को जाना है रीजन में। और रीजन में दोस्तों आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करना है ताइवान या अरब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो आप लोग अगर यहाँ पर सर्च करेंगे अरब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आप लोगों को देखने को मिल जाता है, या फिर आप लोग ताइवान करना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को अपने म्यूजिक वाली जो एप्लीकेशन है Mi म्यूजिक, आप लोगों को अपने Mi म्यूजिक को अपडेट कर लेना है। तो 4.11.0.9i देखने को मिल जाता है। और अगर मैं आप लोगों को सेम वर्सन दिखा देता हूँ, आपके प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो मैं प्ले स्टोर में अगर दिखा देता हूँ दोस्तों, देख सकते हो सेम वर्सन प्ले स्टोर में देखने को मिल जाता है। तो ऑफिशियल ऐप है और ऑफिशियल अपडेट है दोस्तों, मैंने किसी भी APK वगैरह को इंस्टॉल नहीं किया है। लेकिन अगर आपके फोन में ये अपडेट नहीं आया तो आप लोग APK के थ्रू कर सकते हैं। तो जब ये दोस्तों हमारा काम हमारे फोन में हो जाए तो हम लोग को जाना है रिसेंट में। अपने रिसेंट मेन्यू में जाने के बाद दोस्तों अगर आपके रिसेंट मेन्यू में म्यूजिक वाली एप्लीकेशन देखने को मिल रही है, तो आप लोग को सिंपली उसे क्लोज कर देना है। और क्लोज करने के बाद दोस्तों हमें म्यूजिक वाली एप्लीकेशन को एक बार ओपन करना है। तो ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाती है म्यूजिक, मैं इसे ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमें एक आइकन देखने को मिल जाएगी वॉच की। अब दोस्तों आप लोग इस वॉच वाले सेक्शन में जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, कुछ इस तरह की आप लोगों को इंटरफेस देखने को मिल जाती है। आप लोगों को सिंपली यहाँ पर सर्च करना है YouTube वाले सेक्शन पे, जहां पर सर्च का ऑप्शन है, सर्च बार पे NCS सर्च कर देंगे या फिर दोस्तों कुछ भी आप लोग सर्च कर देंगे। तो मैं यहाँ पर NCS को सर्च कर रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। तो जब आपके यहाँ पर कुछ भी सर्च कर लें उसमें दोस्तों आप लोगों को कोई सी म्यूजिक, कोई सी वीडियो आप लोग यहाँ सिंपली प्ले कर लेना है। प्ले कर रहे तो उसे देखते आप लोग प्ले हो रहा है। अब हम लोग को यहाँ से, मैं आप लोग को वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा के दिखा देता हूँ। अब मैं सिंपली यहाँ से होम पे टैप चला जाता हूँ। होम पे जाने के बाद उसे देख सकते हैं हमें कुछ इस तरह की हमें इंटरफेस देखने को मिल जाती है म्यूजिक वाली एप्लीकेशन की। मैं इस पर टैप करता हूँ तो हम लोग यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं और यहाँ पर पॉज कर सकते हैं और यहीं से हम लोग क्लोज कर सकते हैं। और इसकी लोकेशन को भी हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप लोगों को लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, नीचे रखना है, ऊपर रखना है, तो आप लोग कहीं भी इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के दोस्तों हमें Mi UI 12 वाली हिडन टिप्स अपने Mi UI 11 की डिवाइस में देखने को मिल जाती है। और आप भी दोस्तों इस मेथड को फॉलो करके अपने Xiaomi या किसी भी डिवाइस में इसे इनेबल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और कोई डाउट हो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। और इस तरह की और भी हिडन टिप्स एंड ट्रिक के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा।